अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? चलिए चिकन मसाला बनाते हैं। इसमें लगेगा 1 किलो चिकन धोकर साफ़ करके, 5 आलू, 1 आलू के 4 टुकड़े कर रहे हैं। ये हरा मसाला है, मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसका पेस्ट है ये 4 चमचे लिए है। हल्दी 2 चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 4 चमचे ये स्पून के हिसाब से, और 4 चमचे गरम मसाला, 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 गिल्ले खोबरे के। इसे फ्राई करके मिक्सर में जार में पीस लेंगे बाद में। 100 ग्राम तेल डाले हैं, अब इसको गरम करेंगे। बनाओ। प्याज सुनहरा हो गया है, अब इसमें हरा मसाला डालते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। पांच मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लो। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें सभी मसाले डाल दिए जाएंगे। हल्दी, हल्दी भूनने के बाद लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। खुशबू तो अभी से आ रही है। अब गरम मसाला डालेंगे, अब इसे भूनेंगे अच्छे से ताकि कच्चे मसाले की खुशबू ना आए। अब इसमें चिकन डालेंगे, अब इसे भी भूनेंगे अच्छे से कि मसाला चिकन में लग जाए ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। अभी स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से नमक डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करिए कि गोश्त और मसाले मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसे 10 से 15 मिनट ढक के रखिए, प्लेट रखिए और 10 से 15 मिनट पकाते रहिए। थोड़ा मिक्स करके, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप भी बनाइए और हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके बताइए। और थोड़ा पकने देंगे, इसके बाद आलू डालेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे, आधा चिकन गल गया है, अब इसमें आलू डालेंगे और थोड़ा आलू को पकाएंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर भी अच्छा आया है चिकन का। अब इसे ढक कर रखेंगे 10 मिनट ताकि आलू पके। चलिए देखते हैं चिकन और आलू गला है कि नहीं। माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आलू देखते हैं गला है। आलू तो गल गया है, अब थोड़ा बहुत हिलाते हैं। अब जो पिसा हुआ मसाला है खोबरे का वो मिक्स करते हैं।
एक बाटी पूरा है, देखिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा चिकन मसाला बनाते हैं। अब थोड़ा रखते हैं भूनने के लिए 5 मिनट। 5 मिनट हो गया है, चलो देखते हैं चिकन का फाइनल लुक। वाओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में हमें बताइए। चलो रिशॉर्ट करते हैं, देखिए फाइनल लुक ऐसा है। अब इसे कोथमीर से थोड़ा सजा देते हैं। और कैसा लगा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।